रतलाम जिले के आलोट स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताल से लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य और लेखापाल को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2018 में 8,27,000 रुपए के गबन की लिखित शिकायत आलोट थाने में की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए कहा कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताल के प्राचार्य अब्दुल नासिर खान और लेखापाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया। अगस्त 2018 में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला रतलाम के द्वारा थाना आलोट पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताल के प्राचार्य अब्दुल नासिर खान साहब और दूसरा दिलदार डावर, जो कि बाबू के पद पर कार्यरत होकर, इन दोनों के विरुद्ध लिखित जांच शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिनकी शिकायत के आधार पर थाना आलोट पर 420-409 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध यह शिकायत दी गई है कि इनके द्वारा जनवरी 2014 से नवंबर 2014 में वेतन से संबंधित मामले में 28 सहायक अध्यापकों के वेतन को उनके खाते में न जमा करते हुए बिल तैयार करके अन्य खाताधारकों के खातों में पैसा जमा किया गया। इस प्रकार से कुल 8,27,000 रुपये का गबन किए जाने का मामले की लिखित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इन दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें कल शाम को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जहां से दोनों आरोपियों का जेल वारंट तैयार किया गया। जेएसआर टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।